नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE 5G वाले वेरिएंट, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है, तो आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये अपडेट जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस अपडेट करने से पहले दोस्तों आपको इस वीडियो पूरा देगा, जिससे दोस्तों आपको इसके जो फीचर वगैरह वो अच्छे समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ उस अपडेट को। एक मिनट दोस्तों, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है इसकी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस अपडेट के साइज़ को। तो देखिए, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, पर अभी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिखा हुआ साफ साफ कि आपका सिक्योरिटी पेज लेवल जो है दोस्तों वो इम्प्रूव हो जाएगा, और जो एक दो बक्स आ रहे थे दोस्तों इससे पहले डिवाइस में बैटरी वगैरह को लेके, वो दोस्तों एकदम फिक्स कर दिया गया है। और इसका साइज है दोस्तों 260 MB का। अब दोस्तों ये अपडेट इतना बड़ा तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है 259.95 MB। तो ये ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। इसमें आपको 100 डी पिछले मिलता है 1 जुलाई का, अगस्त का नहीं मिलता, जुलाई का मिलता है। बट दोस्तों, ये अपडेट जो है इतना ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद एक अपडेट आने वाला है इस फ़ोन में, कुछ ही दिन में आ सकता है वो, जो कि करीब 500 या 600 MB का होगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वो अपडेट आपको तभी मिलेगा जब आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद तब दोस्तों उस अपडेट को कर सकते हो जैसे ही वो आता है। अगर आपने ये अपडेट नहीं किया, और अगर वो अपडेट आ गया, तो दोस्तों आपको पहले यही वाला अपडेट करना पड़ेगा, तब आप उसको कर सकते हो। तो अगर आपके फ़ोन में छोटा वाला अपडेट आ चुका है, तो फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लो और नए वाले अपडेट का वेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपकी लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।